और प्रभु सचमुच में मेरा जिंदा खुदा सच्चा परमेश्वर है, वो सबके जीवन को बदल देगा, क्योंकि प्रभु का ये गैरेज ऐसा है जो सब कर। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। एक केनर की ऐसी गवाही, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्य किया। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को बहुत उत्साहित करेगा, एंड परमेश्वर कैसा भला और प्रेम करने वाला परमेश्वर है आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा एंड किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, काफी दिनों से हमारे चैनल की रीच बहुत ही डाउन चल रही है, हमारे वीडियोज किसी और लोगों के पास में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंचे एंड और भी लोग परमेश्वर को जाने, वो भी जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उन्हें भी मन फिराने का अवसर मिले, वो भी अपनी लाइफ में सही और गलत का डिसीजन ले सके। इसलिए आप लोग इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी मदद कर सकते हो। इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखे, ताकि इस वीडियो की रीच और लोगों तक पहुँच सके एंड ये वीडियो भी देख कर और लोग भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान सकें, आशीष पा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। और मैं मेरे जीवन की छोटी सी गवाही है आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन ने प्रभु ने बदल दिया। सचमुच में मेरा जिंदा खुदा ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं ना एक लड़का हूँ ना एक लड़की हूँ, प्रभु ने जो जीवन दिया है उस जीवन से मैं चल रही हूँ। बट मैं बहुत परेशान थी, मुझे ना आज तक किसी ने समझ नहीं पाया कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी फैमिली तक मुझे नहीं समझ पा रही है। मैं बहुत परेशान थी और डिप्रेशन में चल रही थी। मैंने बहुत बार राइट करने की कोशिश किया है, बट एक दिन मेरे दिमाग में आया कि सिस्टर ममता को मैं कॉल क्यों ना करूँ, क्योंकि मैं उनके पार्लर में जाती थी अक्सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी बातें सुनना। तो एक बार मैंने उनको कॉल किया कि सिस्टर, मुझे इस रास्ते से एक अच्छे रास्ते पे चलना है, मुझे कुछ रास्ता बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। सचमुच में प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। सिस्टर ममता के द्वारा मुझे उनके घर बुलाया गया और सिस्टर ने मुझे बहुत समझाया, अरे तू एक लड़का है या लड़की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु के नज़र में तू उसका बेटा और उसकी बेटी है। बाइबल के द्वारा मुझे वचन सुनाया, मुझे गाइड किया और आज मैं एक अच्छी स्थान पे खड़ी हूँ, अच्छे रास्ते पे खड़ी हूँ और प्रभु ने सच में मुझे जीवन बदल दिया है। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ये रही मामसा सिस्टर, इन्होंने मेरे जीवन को बदला है प्रभु के द्वारा, और मैं प्रभु के बेटी और बेटा दोनों होके मैं प्रभु का सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि सच्ची जिंदगी और सच्ची लाइफ प्रभु की जीवन है। और हम सब मसीह के लोग प्रभु के भवन में आए और प्रभु की आराधना करें, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और प्रभु सचमुच में मेरा जिंदा खुदा सच्चा परमेश्वर है, वो सबके जीवन को बदल देगा, क्योंकि प्रभु का ये गैरेज ऐसा है जो सब की प्रिपेयर प्रभु ही करता है। और मैं चाहती हूँ प्रभु वही काम करे जो हमें करना चाहिए, प्रभु के जीवन में, प्रभु के देखने में, प्रभु के सुनने में, प्रभु के खाने में, प्रभु के पीने में, हर एक चीज में हमारी सहायता रहती है। प्रभु हमारे जीवन में हमें सब कुछ देता है, और हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जीवन में जिनके कमी घटी है प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु हमारा पिता है, प्रभु हमारा माँ है, वो हमारे जीवन में सब कुछ देगा। यही मेरी एक छोटी सी गवाही है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। आप सब मसीह के लोग प्रभु के बेटा और बेटी हो, आप प्रभु के करीब आओ। और सचमुच में कहती हूँ, जैसे मेरा जीवन बदल गया है, प्रभु भी आपके जीवन को बदलेगा। जय मसीह। अभी दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में इस किनर की लाइफ को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस संसार में मनुष्यों को अलग अलग कैटेगरी में देखा जाता है। कोई जात को देखता है, कोई धर्म को देखता है, कोई ऊंच नीच को देखता है, कोई काले को देखता है, कोई गोरे को देखता है, कोई अमीर को देखता है, कोई गरीबियों को देखता है। लेकिन परमेश्वर ने, जब हम बुराई में थे, जब हम पाप में थे, जब हम गलत जीवन जी रहे थे, जब हम परमेश्वर की अन आज्ञाकारिता में चल रहे थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया।
बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस गवाही में आप लोगों ने देखा होगा कि परमेश्वर ने अपना प्रेम किस तरीके से इस किन्नर के ऊपर जाहिर किया और परमेश्वर ने दिखाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भले संसार में कोई तुमसे प्यार करे ना करे, कोई तुम्हें ठुकराए, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। और आप लोगों ने इस गवाही से इस बात को अच्छे तरीके से जान लिया होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस किन्नर ने जाना और विश्वास किया, परमेश्वर ने इसके जीवन को बदल दिया। आज संसार में हम देखते हैं दोस्तों कि आज धर्म के नाम पर सताया जाता है, कोई कहता है आपने हमारा धर्म छोड़ दिया, कोई कहता है तरह तरह की बातें, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दोष लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, तरह तरह की बातें उठाई जाती हैं, कोई कहता है कि तुम्हें पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया गया है, कोई कहता है कि तुम्हें लालच दिया गया, कोई कहता है तुम्हें जोर जबरदस्ती की जा रहा है, कोई कहता है तुम्हें खाना खिलाकर तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि कोई इंसान बुराई में अपना जीवन जिए, वो नाश हो जाए, वो अनंत काल के लिए नरक की आग में चला जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने आप को दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर सच में हमारे जीवन को बदलता है और वो बताता है कि मैं ही सच्चा जीवित परमेश्वर हूँ, तो मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते, पिता से नहीं मिल सकते। यीशु मसीह वो मार्ग है दोस्तों, जिस मार्ग से आप परमेश्वर के पास जा सकते हो, जिस मार्ग के द्वारा आप उद्धार पा सकते हो। और दोस्तों जब बात करें इस दुनिया की, तो हमें भी दुनिया में देखने को मिलता है कि आज जो लोग जगत के त्याग हुए, ठुकराए हुए, जिनके पास में कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है, जैसे आप देखते हो कि किन्नर समाज को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, इन्हें मतलब ओपनली हर चीज़ के लिए इन्हें अधिकार नहीं दिया जाता, किसी प्रकार से इन्हें मतलब एक तरीके से समाज में छुपा कर रखा जाता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह 2023 साल पहले जब इस पृथ्वी पर आए, तब प्रभु यीशु मसीह ने हर एक से प्यार किया। ऐसा नहीं था कि किसी को ठुकराया, किसी को धुतकारा, या फिर किसी से अमीरों से प्यार किया, गरीबों से प्यार नहीं किया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत के त्यागी हुओं को जो ठुकरा दिए गए, जिनके पास में कोई उम्मीद नहीं है, जिनसे कोई प्यार नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और आज वही प्यार इस संसार में प्रचार किया जाता है कि मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आओ। परमेश्वर चाहता है कि दोस्तों हम अपना जीवन पाप में ना जीकर हम परमेश्वर की धार्मिकता में बिताएं, हम परमेश्वर को जाने, क्योंकि परमेश्वर हमसे जैसा प्यार करता है, संसार में हमें कोई ऐसा प्यार नहीं कर सकता। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया दोस्तों। एंड बहुत से लोग कहते हैं कि तुमने अपना धर्म बदल लिया, तुमने अपनी जात बदल दी। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एंड अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, ये जो किन्नर है, क्या इसे भी पैसा दिया गया है, क्या इसी का भी धर्म बदला गया है, या फिर इसी की भी किसी जात बदल दी गई है? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिससे पहले से जगत ने त्याग रखा हो, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने पास में बुलाया है। और उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, वे जान गए कि सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जरूर यह वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रभु आप सभी को इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।